नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी डी। अब देखो ए बी सी डी एक साइकिल है, ए बी सी डी ऐसा लग रहा है जैसे एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हैं हम लोग। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, हीट रिजेक्टेड इस साइकिल में हीट रिजेक्टेड। भैया कैसे निकालोगे हीट रिजेक्टेड, पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में अगर जहां से चले थे वहीं आ गए तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है क्योंकि वो पॉइंट डिपेंडेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट डिपेंडेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट गिवन टू द सिस्टम डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हमने जितनी हीट दिया वो सब वो तो इंटरनल एनर्जी में यूज हुआ होगा या वर्क डन करने में यूज हो गया होगा। अब डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल आ गया, क्लियर है। तो वर्क डन क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ, तो ये क्लोज्ड पाथ स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया निकालना हमारे लिए आसान है, 3b माइनस बी 2b मल्टीप्लाइड बाई दिस साइड 2p और माइनस पी, दैट इज पी, मतलब ये आ जाएगा 2pb, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द। और जो वर्क डन है एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव आएगा, बट हमें हीट हीट रिजेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हीट रिजेक्ट ही होगा, ठीक है, इसने प्लस में दे दिया, कोई बात नहीं।